अरे सर ये क्या करने जा रहे ये हैं? हम इसको आपके एक नया प्रोडक्ट ले आए हुए हैं आप लोगों मिस्त्रियों के लिए, जो कि चार्जर को सर्दी से बचाएगा। जी सर। सर्दी से बचाने का मतलब कि चार्जर जो हमारा आजकल के डेट में बहुत ज़्यादा नमी के कारण चार्जर में खराबी आती है, या हम इस चार्जर को रिपेयर करके भेजते हैं और ट्रांसपोर्टिंग में, या हम गाड़ी से भेजते हैं, तो चार्जर के जो पार्ट पुर्जा है अंदर की किडनी फिडनी हिल जाता है, जिससे चार्जर हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसी के लिए हम आज एक सिलिकॉन ट्यूब लाए हैं। मैं ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैकेनिक के लिए है, और ये आप लोगों का यहाँ पे इसके एक जो है सिलिकॉन ट्यूब है, जो कि यहाँ पे आप नज़दीक दिखाएंगे इसको, आप लोगों को कहाँ कहाँ यूज करना है, जो उसको आपको वहाँ यूज करना है सिलिकॉन ट्यूब का, जो पार्ट्स इसके बहुत कॉम्पोनेंट नाजुक भाग हैं, जैसे कि आपका कोई रेजिस्टेंस जो नमी के कारण ज़्यादा खराब होता है, या कोई कैपेसिटर, जैसे कि वो कैपेसिटर ट्रांसपोर्ट में हमारा हिल सकता है, या जैसे कि ये इंडक्टर कॉइल हो गया, या ये बड़े वाला कैपेसिटर हो गया, या आपका ये एनटीसी हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी आपका कोई भी कंपोनेंट हिलने का चांस हो वहाँ पे लगाना है। ये कहाँ से मिलेगा आपको? तो किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे जाके आपको बोलना है, ऐसे देखिए AK-47 का गन दे दीजिए, सिलिकॉन ट्यूब वाइट कलर का, देखिए फेविकॉल का है। ये कोई आपका स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद यूज कर रहा हूँ। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर मैं रेक्टिफायर के पास काफ़ी ज़्यादा भर रखा हूँ, यहाँ पे जूम करके दिखाइए। तो देखिए रेक्टिफायर के पास काफ़ी ज़्यादा भर रखा है। क्यों भर रखा है? क्योंकि अक्सर रेक्टिफायर के पास इस चार्जर में हमारी प्रॉब्लम आता है, और वहाँ पे नमी पहुँच जाती है, और रेक्टिफायर हमारा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कस्टमर हमारा क्या होता है, परेशान होता है, शिकायत करता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे भर दिया है। अब इसके अंदर हमारा क्या होगा कि हमारा जो होगा रेक्टिफायर में पानी की नमी पहुँचेगा नहीं, और हमारा चार्जर ये क्या होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब थोड़ा पीछे कीजिए, बात करते हैं ये सूखता कितने देर में है। तो ये 15 से 20 मिनट में सूख जाता है। आप टाइट करके कस्टमर को आराम से दे दीजिए, क्योंकि ये लगने के बाद गिरेगा नहीं, देखिए निकलेगा नहीं, बहुत टाइट होता है, तो ये लगने के बाद निकलेगा नहीं। 15 से 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक चार्जर में ये सूख जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आपको जानकारी चाहिए, अच्छी अच्छी जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, संदीप ई रिक्शा यूट्यूब चैनल। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टा पेज को फॉलो करें, और कुछ भी करें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। और फिर मिलते हैं नए वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।